हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खेल कबड्डी। इस वीडियो में हम देखेंगे 30 दिसंबर को हुए मैचेस होने के बाद लीग टेबल ने अपना रुख किस तरफ मोड़ा है, कौन सी टीम टॉप पर रही, कौन सी टीम एंड पर है और कौन कौन सी टीम्स ने कितने कितने पॉइंट्स अर्न किए, ये सब हम जानेंगे सिर्फ इसी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Now without wasting your much more time, let's start the video. Vivo Pro Kabaddi Season 8 की लीग टेबल में टॉप रैंकिंग टीम बनी है दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली टीम अभी तक 4 मैचेस खेली है जिसमें से वो 3 जीत चुकी है और सिर्फ उनका एक मैच टाई रहा। कुल मिलाकर उनके टोटल पॉइंट्स अर्न हुए हैं 18। दबंग दिल्ली टीम के प्लेयर नवीन कुमार ने इस बार के सभी मैचेस में अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इस बार के हुए सभी मैचेस में वो एक चमचमाते हुए उभरते खिलाड़ी के रूप में नजर आए। लगता है इस बार दिल्ली के शेर अपनी फुल तैयारी के साथ कबड्डी के मैट पर खेलने के लिए उतरे हैं। दूसरे नंबर पर है हाई फ्लायर पवन सरावत की टीम बेंगलुरु बुल्स, जो अब तक 4 मैचेस में से 3 मैचेस जीत गई है और एक हार गई है और उनके इस हिसाब से टोटल पॉइंट्स अर्न हुए हैं 15। तीसरे नंबर पर है मुंबई की आन बान शान रखने वाली टीम यूमुम्बा, जो अभी तक खेले गए 4 मैचेस में से 2 मैचेस जीत चुकी है, एक हार गई है और एक उनका मैच टाई रहा। इस हिसाब से उनके टोटल पॉइंट्स अर्न हुए हैं 14। चौथे नंबर पर आती है गुजरात जायंट्स टीम, जिनके द्वारा खेले गए 4 मैचेस में से 2 मैच टाई रहे, एक गुजरात जायंट्स टीम मैच हार गई और एक जीत गई। इसके अकॉर्डिंग उनका टोटल स्कोर अर्न हुआ है 12। पांचवें नंबर पर है 3 बार रही चैंपियन टीम पटना पायरेट्स, जो अब तक 3 मैचेस खेल चुकी है जिसमें कि वो 2 मैच जीत चुकी है और एक मैच में उनकी शिकस्त हुई। इस हिसाब से उनका टोटल स्कोर अर्न हुआ है 11। बंगाल वॉरियर्स टीम खेले गए 4 मैचेस में से 2-2 की विन लॉस सिचुएशन में है, उनके टोटल पॉइंट्स अर्न हुए हैं 11। इस टाइम ये टीम लीग टेबल में 6th रैंक पर है। सातवें नंबर पर जयपुर किंग पैंथर्स की टीम सेम बंगाल वॉरियर डेटा के साथ 11 पॉइंट्स अर्न कर चुकी है। आठवें नंबर पर है इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली टीम यूपी योद्धा, जिन्होंने अब तक मैचेस खेले हैं 4 और एक मैच उन्होंने अभी तक सिर्फ जीता है, 2 मैचेस ये टीम हार गई है और एक मैच इनका टाई रहा। इस हिसाब से उनके टोटल पॉइंट्स अर्न हुए हैं 10। हरियाणा स्टीलर्स टीम खेले गए 4 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीती है और 3 हार गई है और उनके टोटल पॉइंट्स अर्न हुए हैं 7। लीग टेबल में ये 9th रैंक पर है। दसवें नंबर पर आती है टीम तमिल थलाइवास, जिनके द्वारा खेले गए 3 मैचेस में से 2 टीम ने मैच टाई किए और एक टीम मैच हार गई। इस हिसाब से उनके टोटल पॉइंट्स अर्न हुए 6। लीग टेबल में अभी सबसे लोएस्ट रैंकिंग रखने वाली टीम तेलुगु टाइटन्स और पुनेरी पल्टन है विद टोटल अर्न पॉइंट्स 5। आप इस बार सीजन 8 में कौन सी टीम के सपोर्ट में है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा।